एक चीज़ पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा और हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी भी एग्जाम में जो है एडमिट कार्ड इशू किया जाता है, तो इसमें आप बताया है लेकिन हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। आप ये उन लोग का जो नर्सिंग जो एस्पिरेंट है उन लोग का कहना है ये उन लोग के लिए सबसे बड़ा एग्जाम है नर्सिंग ऑफिसर जो है, तो इस तरह का जो बड़ा एग्जाम में जो है एडमिट कार्ड आप क्यों इशू नहीं किया है? आप डॉक्टर डॉक्टर टोकन को ट्रांसफर का जो है सोशल मीडिया में जितना भी आलो का सोशल मीडिया फोरम में यहाँ पे एक उसका ट्रांसफर ऑर्डर को लेके पब्लिक काफ़ी टेंशन है, खास करके जो फीमेल है सब टेंशन है, क्योंकि डॉक्टर टोकन एक ऐसे अच्छा डॉक्टर है सबका कहना है और रात सुबह जब भी उसको फ़ोन करते अवेलेबल मिलता है। तो सर इसमें ट्रांसफर तो आपका हाथ में नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट का बॉस होने का नाते आपका रिलीज ऑर्डर के लिए शायद आज कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, आज नहीं हुआ है तो कल या तो परसों शायद पब्लिक का कुछ गैदरिंग होगा, इसमें सर आपका रिलीज ऑर्डर के लिए आपको सब प्रेयर कर रहे हैं कि मतलब रिलीज ना होने से ठीक है, इसमें आपका क्या कहना है? हेलो न्यूज अरुणाचल वेस्ट न्यूज नंदन, थैंक यू। वी हैव रिसीव एप्लीकेशन रिगार्डिंग ऑन गोइंग कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन। इसलिए इसमें वो लोग जो अभी एलिगेशन जो दे रहा है या जो अभी बोल रहा है उनका एप्लीकेशन ये है, इसमें नंबर वन जो बोला हम उनको एक एक करके हम रिप्लाई देगा। इसमें लिखा है ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन देयर वाज नो फैसिलिटी फॉर चेकिंग बिफोर एंटरिंग इनटू हॉल। एग्जाम हॉल में आने का टाइम में वो लोग को ये चेकिंग नहीं किया बल्कि हम लोग पुलिस था उसमें, लेकिन हम लोग जितना हाथ में सामान एक्सेप्ट पेन एंड पेंसिल एंड रबर ये तीन को अलाउ किया है, बाकी मोबाइल इवन गरीबी जो जरूरी वाला जो इलेक्ट्रॉनिक जो गरी है उसको भी बाहर रखने दिया है। ऑल बैग जितना उन लोग लाया है वो बाहर में रखने दिया हम लोग, उसका बाद एक एक करके अंदर में दुखने दिया विथ पेंसिल एंड पेन मोबाइल सवाल सब बाहर में है। ये इसमें कोई लड़की को ऐसे चेकिंग हम लोग करने का जरूरी नहीं है, और पुलिस भी बोला है इसका प्रिस्किंग करने का जरूरी नहीं है, आप लोग ऐसे इसमें कोई ऐसे खराब नहीं होगा बोल के। ये नंबर वन, इसमें एग्जामिनेशन हॉल में ये और एक बार दोहराता हूँ कि चेकिंग हम लोग कम्प्लीटली जो एग्जामिनर जो अंदर में जो इन्वेजिलेटर जो बैठ रहा था वो लोग भी जब घुमा है घूम घूम के एक एक को चेक किया है, मैंने ये लोग को कोई कान को भी देखा है इसमें एयरफोन है क्या कुछ है क्या बोल के सब चेक किया है, कोई भी मोबाइल लेके आए नहीं आए कोई पेपर लेके नहीं आए, इफ देयर इज एनी एविडेंस ऐसे कुछ एविडेंस है सो हम लोग को बताना है और उधर कोई था तो। नंबर वन। नंबर टू, ऑल क्वेश्चन पेपर्स वेर नॉट सील्ड एंड वाज जीरोक्स। कैसे सील नहीं था? सील क्या है हम लोग यहाँ में सील भी मारा है और सील भी है, आप देखिए हर ये में उसके मजिस्ट्रेट का साथ हम लोग सील कराया है, इसमें सील भी मारा हुआ है। अभी इसको कोई एक्सपर्ट में भेजो कहीं में, अगर सील नहीं किया बोलने से या सील नहीं मारा बोलने से कोई एक्सपर्ट में भेजो देखने दो। हम लोग का जितना कुछ उन लोग का सामने खुला है, सील पेपर वाज ओपन व्हेन इन एग्जामिनर हॉल इटसेल्फ, सबको ये लोग को देखा देखा के एक एक रूम में खुला है। ये देखिए ऐसे सील सब मारा हुआ है यहाँ में, ये सब एनीबॉडी कैन चेक इट। ये फॉल्स एलिगेशन है एंड जीरोक्स ऑल ओवर अरुणाचल में जीरोक्स किया है, नॉट ओनली इन वेस्ट सियांग पूरा जीरोक्स किया है, इसको इसमें कोई क्वेश्चन रेज करने का सवाल ही नहीं उठता है। द्वितीय नंबर। तीन नंबर, नो एडमिट कार्ड वाज इशू टू कैंडिडेट। हम लोग एडमिट कार्ड हम लोग को यहाँ में स्क्रूटनी करते करते टाइम भी गवर्नमेंट नहीं दिया है, इसलिए हम लोग नोटिस बोर्ड में टांग दिया, आप लोग का फोटो हम लोग लिया है स्क्रूटनी उसमें ये करने का टाइम हम उधर नोटिस बोर्ड में टांगा है कि आधार कार्ड लेके आओ आई कार्ड लेके आओ जो भी आपका प्रूफ आईडी कार्ड लेके आओ। हम लोग ऐसे बनाया है ऐसे एक एक कैंडिडेट का हम लोग पूरा फोटो चिपका के इनफर्सिटेशन नहीं होने के लिए पूरा ये देखिए ऐसे एक एक करके पूरा लड़की जो भी आया है कैंडिडेट जो भी आया है पूरा सबको हम लोग फोटो टांग के एक एक रूम में बाग करके दिया है, उनको साइन खुद भी साइन मारा है लोग हम है बोल के साइन मारा है।
अगर कोई दूसरा आदमी आके हम लोग को इसको इंपर्सनेशन हुआ है कहीं में कुछ अगर ऐसे प्रूफ है तो बोलो उसको, हम लोग यहाँ में खुद साइन मार के गए, मेरा ये मेरा फोटो है ये हमारा है बोलकर साइन खुद मार के गया है, इसमें कोई आइडेंटिटी कार्ड का इशू नहीं है, हम लोग क्लियरली उसको उनका आधार कार्ड देखा है एंड इसको भी मिलाया है उसमें, उसमें कोई दूसरा आदमी आने का बातें नहीं, अगर ऐसे कोई है तो हम लोग को बता दो या पुलिस को बता दो मजिस्ट्रेट को बता दो ये एडमिट कार्ड का बारे में। उसका बाद कैंडिडेट हुज नेम वाज नॉट इन दिस स्क्रूटिनी लिस्ट हैज बीन क्वालिफाइड फॉर ओएससी एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, इसमें स्क्रूटिनी में उनका नाम नहीं था, एक बोझे था उनका नाम नहीं था स्क्रूटिनी टाइम में जो फर्स्ट लिस्ट में नहीं था, तो उसमें रिजेक्ट में भी नहीं था उसका नाम या उसको क्वालिफाइड में भी नहीं था, तो वो खुद हम लोग को फ़ोन किया, इतना और से फ़ोन किया सर हम लोग हम मेल में भेजा है आप दोबारा चेक करो, आप अच्छे से मेल में चेक करो उनका डालने का डाटा, हम लोग का रिकॉर्ड है मेल, तो कोई भी झूठ नहीं बोल सकते, ये मेल तो ज़िंदगी भर रहेगा, उसमें वो लोग 4 तारीख को भेजा है तो हम लोग के यहाँ में 1 मिनट का बाद पहुँचा है, उसको इस्पाजम में था इसलिए हम लोग उसका डॉक्यूमेंट बोर्ड का डॉक्यूमेंट था इसलिए वो इस्पाजम में चला गया, उसको हम लोग चेक नहीं आया, हम लोग तो सिर्फ मेल को देख रहा था, तो वो ऐसे उधर से रिपोर्ट आने का बाद हम लोग दोबारा कंप्यूटर इस्पाजम को खुला है तो उधर मिल गया, प्रिंट आउट किया, बाद में हम लोग उसको एक तो कोरिजेंडम इशू करके इनका सही है उसको एग्जाम में बैठ सकता है बोल के हम लोग दिया, उसमें कोई कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं, हम लोग एनी बडी कैन काम एंड चेक, आज भी चेक करने दिया हम लोग, कोई भी बहुत लोग सेटिस्फाई होकर निकल गया। हम लोग का सुपरविजन उस टाइम में जो पेपर ये जब खुला था उसमें मजिस्ट्रेट भी था एग्जाम हॉल में, बॉक्स पुलिस स्टेशन से लेके आया, लेके आके उधर सूट के ट्रांक को खुला है, उनके मजिस्ट्रेट भी हम लोग के साथ में था, वो पूरा चेक किया है देखा है खुद और फोटो भी वीडियो भी हम लोग लिया है, ये सील तो भी पूरा वीडियो में भी है हम लोग का, एनी बडी कैन प्रूव, वो लोग बोल रहा है ऐसे ये एलिगेशन ऐसे नहीं देना है हम लोग को। उसका बाद वो लोग बोला है फर्स्ट में 73 था, उसके बाद 74 हो गया, उसके बाद फिर 76 क्यों हुआ, तो फर्स्ट में स्क्रूटनी में हम लोग 74 कैंडिडेट को मिला था, अभी जो वजह है उसको बाद में हम लोग ये से ये कंप्यूटर से निकालने का बाद एक दे दिया, उसका बाद एक लड़की था उसका भी ये में रिजेक्ट लिस्ट में था, लेकिन वो हार्ड कॉपी में उसका ठीक था इसलिए उसमें ऊपर में लिखा हार्ड कॉपी में ठीक था बोल के हम लोग उसको एक्सेप्ट किया, ये तो ये में नहीं आए। उसका बाद एक वो लोग लिखा अभी का नाम बोल रहा है उसका आगे रिजेक्ट किया उसमें ये किया बोल के, वो उसका फर्स्ट ये वाला में नेट वाला में ये गूगल वाला में ये जो एप्लीकेशन इंटरनेट से जो सबमिट किया वो ठीक नहीं था और हार्ड कॉपी में उसका ठीक था ना, वो ये में भी रिटर्न में भी ये प्रैक्टिकल में भी नहीं ये निकल गया, प्रैक्टिकल में भी नहीं आया, तो एक प्रैक्टिकल में आने वाला बोझा था वो तो इनका तो पूरा जेन्यून है, इसमें कोई लिस्ट में भी कोई गड़बड़ नहीं है, टू एडिशन में एकदम क्लियर है, इसमें एनी बडी कैन काम एंड चेक। OMR तो अरुणाचल में किसी में नहीं है, हम लोग सिर्फ ऐसे नहीं किया है इसका बातें नहीं होगा। रोल नंबर वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू स्क्रूटिनी लिस्ट, इसको हम लोग ने ऐसे किया है उसमें एग्जाम हॉल में कभी एरिया में हम लोग टांग के रखा है सीरियल नंबर में हम लोग एग्जाम हॉल में अगर ऐसे रखेगा तो कोई दूसरा आदमी आके मेरा बेटी उधर बैठ रहा है या कोई ऐसे उधर उसका नंबर में बैठ रहा है बोल के वो बोलेगा बोल के हम लोग उल्टा हम लोग अच्छा के लिए हम लोग उसमें अल्फाबेटिकली रखा है A-Z तक रखा है इसमें, लेकिन हम लोग उधर में एग्जाम हॉल में हम लोग उस दिन एक घंटा आगे में उसको पालती मारा है Z-A में उल्टा कर दिया सो देट आदमी दूसरा आदमी इसको मालूम नहीं होना चाहिए, हम लोग सिर्फ जानना है कौन कहाँ बैठेगा और हम उधर लिखा है, बाकी आदमी आके या एजेंट से आके कोई भी उल्टा पुल्टा नहीं करने के लिए हम लोग इसको एकदम अच्छा सिस्टम उल्टा बेस्ट सिस्टम हम लोग एडॉप्ट किया है इस ये सिस्टम बाद में भी एडॉप्ट करना है, ऐसे करने से ही हम लोग फेयर एग्जामिनेशन होगा।
इसमें वो इसको तीन का लिस्ट रोल नंबर में होना है बोल के वो लोग ऐसे बोल रहे हैं, वो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। रिजल्ट वॉज आउट वेरी वेरी अर्ली विद इन 9 आवर्स आफ्टर एग्जाम। हम लोग एग्जाम हॉल में मेजिस्टर के साथ पैकिंग करके यहाँ लेके फटाफट ज़्यादा दिन रखेगा तो उल्टा आदमी लोग मैंने उल्टा उधर उधर क्या बोलेगा, सीधा एग्जाम हॉल से लेके आके हम लोग रूम में बैठ के एक्सपर्ट जो गवर्नमेंट गाइडलाइन जो है बीएससी नर्सिंग जो नर्स लोग को हम लोग 5 आदमी लेके वीडियो सीडियो रखा है उसको इधर खुल के टेबल में बैठा के रोल नंबर जितना है हम लोग रोल नंबर को ऐसे फोल्ड करके रख दिया पेपर को। उन लोग पाँचों लड़की एग्जामिनर ये को चेकर को हम लोग ऐसे 10 पूरा मिला जुला करके इधर 10 इधर 10 इधर 10 इधर ऐसे करके 5-6 टाइम हम लोग ऐसे करके उधर से एक आदमी बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है तो उधर ए बोलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए है तो अगेन ए बोलेगा, बी का आंसर अगर सी है तो सी बोलेगा, ऐसा वो लोग यहाँ में टिक मार्क मारते जाएगा या जिसका करेक्ट आंसर है उसको नंबर देगा, जिसका आंसर नहीं उसको काट देगा। इसलिए हम बहुत जल्दी किया है, बाकी हम लोग रात 11 बजे तक तो बैठा है। इनफैक्ट हम लोग पूरा उधर से लेके आके यहाँ में फटाफट अभी करें अभी ही रिजल्ट डिक्लेयर करना बोलकर फटाफट हम लोग ने ये किया। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए था, इतना जल्दी नहीं निकलने से उल्टा बोलता है क्यों इतना देरी एग्जाम को रिजल्ट को रखता है कि हॉल्ड करता है, इसमें मैनिपुलेशन होने का चांसेस है। अदरवाइज हम लोग उल्टा इतना जल्दी अच्छे से फेयर करेगा बोल के किया है। नंबर 10 वो लोग का लास्ट कंप्लेन जो है, कैंडिडेट फाउंड रिजेक्टेड लिस्ट वाज आल्सो अलाउड टू अपीयर इन द रिटन एग्जाम। वही है अभी जो बोला है, ये दो लड़की था जो एडिशनल जो 76 है, दो लड़की का उन लोग का एक मेल में था एक हार्ड कॉपी में टिक था, इसलिए वो दोनों को हम लोग अलाउ किए। 74 में से 76 टोटल हो गया, तो लेकिन उधर 176 आदमी नहीं आया, हम लोग का उधर आया है 118 आने के बाद हम लोग 118 आया, उनको लेके हम लोग फटाफट रिजल्ट डिक्लेयर किया है। इसमें हम लोग कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है, जो टैलेंट वाला को भी आज भी हम लोग वेरीफाई किया है, दो बार सवेरे हम लोग वेरीफाई किया है वो लोग कैसे इतना हाई मार्क मिला है बोल के, वो रियली वो टैलेंट है शुरू से। इवन टीचर लोग भी बोलता है उनका जहाँ स्कूल में पढ़ा है या उनका MSc करने वाला लोग है, कोई बतानी में ये ग्रेजुएट करके वो लोग अच्छा मार्क मिला। अभी आज जो किया है सब मोस्ट ऑफ देम आर BSc एकदम BSc करने वाला, कोई MSc करने वाला लोग है। इसलिए ये लोग ऐसे आदमी को ब्लेम नहीं देना है, हम लोग फेयरली किया। इसमें आप रिजल्ट देखिए, इसमें बासर का भी था रिटर्न रिजल्ट में, लिकावली का भी था, मतलब लोअर सियांग का, इवन CME का भी था, वेस्ट सियांग का भी था, 4 डिस्ट्रिक्ट का, बाकी डिस्ट्रिक्ट का एक भी यहाँ नहीं आया। एक तो दिग्बोई में रहता है वो आया है, वो भी हम लोग का वेस्ट सियांग का ही है, दिग्बोई हम लोग खाली आज ही पूछा मालूम है वो दिग्बोई में रहता है। उनके ऐसे कोई बाहर का आदमी भी नहीं है और ना कोई क्वालिफाई किया है, हम लोग प्योरली ऑन द मेरिट बेसिस उसको किया है। जितना हम लोग फेयर में ऐसे कोई भी एग्जाम फेयर में हो ही नहीं सकता, हम लोग इससे और ज़्यादा कोई भी नहीं कर पाएगा, ये हम लोग का बोलना है। वो लोग कोई बोल रहा है कि बेंच को दो बैठने दिया बोलते, एक्चुअली 107 हम लोग स्कूल को भी ढूंढा है बहुत, मार्केट न्यू मार्केट स्कूल को भी ढूंढ के देखा था, उसमें भी सीट कमती है, ट्यूजडे को एग्जाम फिक्स किया है, उसके बाद PI में भी जाके देखा है उधर भी कमती है। DDC से हम लोग बात किया है, DDC बोला है मिडिल स्कूल में होगा उधर में जितना सीखे हम लोग कर देगा, तो हम लोग जाके वेरीफाई किया है, टीम ऑफ डॉक्टर्स जाके हम लोग वेरीफाई किया। उधर में 5 रूम था, 5 रूम में सीट को एडजस्टमेंट किया तो 176 जैसे तैसे दुखता है, तो उसको हम लोग पूरा उधर रोल नंबर बना के उधर बैठने दिया है, डबल बैठना पड़ गया। बाद में बहुत लोग नहीं आए, अराउंड 38 कैंडिडेट नहीं आए, उसमें भी हम लोग पेपर को हम लोग 3 सेट्स उन लोग पेपर दिया है, पेपर 3 सेट को इधर रूम नंबर 1 ये रूम नंबर 2 दो आदमी ये थर्ड नंबर वो पीछे वाला में जाएगा, फिर ये 2 इधर ऐसे जाएगा, 3 ऐसे जाएगा, हम लोग ऐसे बांटा है आओ या ना आओ ऐसे बांट के रखा है। उसके बाद बहुत लोग नहीं आए, 15 मिनट के बाद हम खुद बोला है हम लोग आप लोग जहाँ में खाली है अभी जा सकता है आराम से अकेला बैठो, अगर बैठने का दिल या किसी का बेंच ठीक ठाक नहीं है
यू कैन मूव इन टू द ब्लैंक प्लेस, आप आराम से जाके उधर लिखो, अगर दो आदमी टाइट लगता है तो भी खाली वाला पीछे में भी है, एक रूम में ऑलमोस्ट ओनली 5-6 है, उधर भी जा सकता है। सबको हम लोग रिक्वेस्ट भी किया, बोला भी है, उसका टाइम भी चाहिए तो हम लोग बोल रहे अभी जस्ट 1 मिनट ही लगेगा उधर जाने के लिए, ऐसे बोल के हर सुविधा हम लोग दिया है। इसमें कोई ऐसे एक किसी को कोई किसी को देखने दिया तो उनका अपना ये है, लेकिन हम लोग सिस्टम को जैसे हम लोग गाइडलाइन दिया है ठीक ऐसे हम लोग गाइडलाइन से फॉलो किया है, ऐसे कोई हम लोग विद मैनिपुलेशन या कुछ किसी का फेवर में हम लोग नहीं किया, प्योरली ऑन मेरिट बेसिस में करा। अगर चेक करना चाहते हैं तो हम अपना मार्क, हम अच्छा किया था, हमारा मार्क क्यों कम हो गया, अगर कोई ऐसे बोलता है तो आ जाओ, हम लोग इवन देखा आरती का भी जरूरी नहीं है, हम दिखा देगा, रेडी है हम लोग, और कोई अच्छा वाला मिलने वाला को भी देखना, उनका बैकग्राउंड भी पूछो, बढ़िया है हम लोग इस बार, ऐसे कोई ये भी नहीं है, हम लोग आप लोग जो भी बोल रहा होगा वो उन लोग क्वालिफाई नहीं हुआ है, अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट क्वालिफाई, इसलिए ऐसे बोल रहे, एलिगेशन डालेगा, एग्जाम पोस्टपोन करेगा, किसी को ऐसे मिलने नहीं देगा बोल रहा होगा, लेकिन हम लोग फेयरली किया है, कोई मजिस्ट्रेट लगाओ, CBI लगाओ, SIT लगाओ, वी आर रेडी, कोई ऐसे इनका जो यहाँ में जो लिख के जो पॉइंट दिया है इसमें कोई आयोता नहीं है, कोई इसमें करेक्ट नहीं है, हर चीज़ हम लोगों ने सही किया है। और ये सर जैसे बताया, हम लोग अभी सर ने बताया नंबर वन जो हम लोग का प्रिस्किंग नहीं किया, हम लोग सब बैग लोग को बाहर में रखने दे के, जितना सामान है बाहर में रखने दे के उन लोग का अंदर होता है, जैसे सर ने बताया। दूसरा जो है अभी सर, तीसरा जो है एडमिट कार्ड को जब भी आया है ये लिस्ट अभी जो सर दिखाया सर, वो सर यस, इसको हम लोग टोटली आधार कार्ड के साथ में वेरीफाई करके हम ये किया, साइन भी करने दिया, ये उन लोग का अपना अपना साइन है, उसको आधार कार्ड के साथ वेरीफाई किया है, इसके बाद उन लोग को ये किया। थर्ड में एंड ऑल जितना भी हम लोग का ये हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, वहाँ में एग्जाम हॉल में मजिस्ट्रेट, जब हम लोग पुलिस से बक्सा में लेके आया था तब भी मजिस्ट्रेट प्रेजेंट था, और जब उसको क्वेश्चन पेपर का जो सेट को खुला, दिस वॉज क्लोज इन एक बॉक्स में बंद था, उसको हम लोग खोलते समय, वो बॉक्स भी सील था, ताला सील था, तो उसको खोलते समय और उसमें दो ताला था, तो छवि तो उसको भी हम लोग ये जब पुलिस में भी रखा था तो उसमें एक छवि जो है हम लोग के पास में था, एक छवि पुलिस में था, जब वेन पुलिस में जो हम लोग पुलिस स्टेशन में रखा है, रिटर्न डॉक्यूमेंट भी है, उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट भी है, उसके बाद वहाँ मिला के वो बॉक्स को जो ताला को सील किया तो उसको भी प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट जब प्रेजेंट था तो खुला है शुरू में, इसके बाद खोलने के बाद हर पैकेट को हम लोग मजिस्ट्रेट के साथ खोल के क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसमें कोई सील नहीं होने का चांस कुछ भी थोड़ा भी नहीं है। और जैसे और अभी जैसे ये नैन्सी ओला, उसका इनबॉक्स में नहीं होके स्पैम में था, वो स्पैम में होने के कारण से उसको बाद में उन लोग ये किया, तो हम लोग जब वेरीफाई किया तो सचमुच देखा है तो स्पैम में था, स्पैम में हम लोग उसको प्रिंट निकाल के उसको हम लोग ये किया, वो भी उन लोग इंटरवेंशन होने के बाद ही ऐसा हुआ था। लेकिन खुद बोला है 4 अगस्त, वो हम लोग को 4 अगस्त 1:57 PM को हम लोग को एप्लीकेशन को ईमेल में डाला था, तो उसमें देखा तो 4 अगस्त 15 वाज लास्ट डेट, तो देखे तो सचमुच है 4 अगस्त में, एंड यू कैन चेक द ईमेल, उस अभी आपको कम दिखा देगा। सो तो ये सर बाकी सर ने बताया, हम लोग जो भी किया है हम लोग वी हैव डन इन वेरी फेयर, हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट का साथ में ही सब कुछ किया है, तो मेरा यही कहना। आप लोग से सर जैसे आज जो एस्पिरेंट लोग हैं जो एलिगेशन आपको रिटर्न में भी दिया है, कंप्लेंट लेटर और प्रेस ब्रीफिंग भी उन्होंने किया है, जैसे आप लोग शायद देखा है, तो उसको आपने पॉइंट टू पॉइंट जो आप अभी जो रीड आउट किया वही एलिगेशन है, प्रेस ब्रीफिंग में भी उन्होंने वही दिया है, तो लेकिन सर इसमें एक चीज़ पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा और हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी भी एग्जाम में जो है एडमिट कार्ड इशू किया जाता है, तो इसमें आप बताया है लेकिन हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, आप ये उन लोग का जो नर्सिंग जो एस्पिरेंट है उन लोग का कहना है ये उन लोग के लिए सबसे बड़ा एग्जाम है नर्सिंग ऑफिसर जो है, तो इस तरह का जो बड़ा एग्जाम में जो है एडमिट कार्ड आप क्यों इशू नहीं किया है? आप तो ये को बता दीजिएगा व्यूअर्स को। यही एडमिट कार्ड उससे भी ये बेटर है, एडमिट कार्ड तो उन लोग को दे देगा, वो लोग कहीं भी गायब करके आएगा, हम लोग इसको इतना बढ़िया से बनाया
उनका सामने उनका आधार कार्ड लाया है, उनका आइडेंटिटी कार्ड लाया है, उसको इधर से मिलाया है, उसका फोटो को मिलाया, उसका नंबर को मिलाया है, वो खुद को साइन मारा ये हम है बोल के, और क्या सही है, और कुछ दूसरे आदमी तो आके दें और कोई ऐसे एलिगेशन है तो हम बोलिए, इससे और ऐसा एग्जामिनेशन नहीं कर पाए सर। सर मैं आपको एडमिट कर एडमिट कर भी बोला हम लोग टाइम भी नहीं था ना सर। सर इसमें जैसे जो साइन मारा है ना, हाँ। साइन मारने में जैसे से सपोज हम एग्जाम दे रहे हैं, yes. तो मेरा बदले में कोई दूसरा एग्जाम देगा, आधार हाँ। कार्ड का तो फोटो यूजुअली विजिबल नहीं होते, हाँ। तो अगर हम किसी का बदले में हम एग्जाम देगा, हाँ। तो हम तो उसमें साइन करेगा ना, हाँ। क्योंकि हम ये से सपोज हम मिस्टर एक्स का बदले में हम एग्जाम देने आ रहे हैं, हम मिस्टर हुआ ये, हाँ। तो मिस्टर एक्स का जगह में तो हम साइन करेगा ना, वही तो इसलिए तो बोला वो दूसरा ये इसको आप लोग वो खुद कैंडिडेट देखना है, कोई दूसरा आदमी अगर ये फोटो दूसरा है साइन दूसरा है उसको कोई प्रूफ है तो लेके आओ, हम लोग ये सिग्नेचर आए उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं और वीडियो पे बहुत खींच के रखा सर, उसको तो समझ गया सर, एडमिट कार्ड इशू नहीं करने का कारण आप क्लियरली बता देने से गए, वही शॉर्टेज ऑफ टाइम, और कोई गुवाहाटी ईटानगर में है कोई ये में है या हम एडमिट कार्ड हम लोग भेज भी नहीं सकते हैं, तीन स्क्रूटी नहीं दिया हम लोग को 17, 18 को हम लोग ये करना पड़ा फाइनल करना है 19, 20 संडे है, इसलिए हम लोग बोला है बेहतर कोई सो दैट नोबडी मिस नहीं होने के लिए बोलते हैं हम लोग उनका सुविधा कर दिया हम लोग, कोई आधार कार्ड इज मोर ऑथेंटिक देन एनी आई कार्ड। नहीं सर एस्पिरेंट लोग का कहना है कि सर दूसरा डिस्ट्रिक्ट में एडमिट कार्ड का दे सकता है, एडमिट कार्ड दे सकता है, तो हमारा वेस्ट चांग में क्यों नहीं दे, नहीं पासीघाट में नहीं दे, पासीघाट तो यही सर, यही कोई जगह में वेस्ट कामिंग में भी दिया है सर, बोलो नंबर कम होगा आगे, नहीं सर उन लोग का एस्पिरेंट का कहना है कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट में एस्पिरेंट कमती होने से भी कम नंबर होने से भी हमारे यहाँ में 176 ऐसे मतलब वो किया है सर सेलेक्ट किया, उसमें सर छोटा बड़ा में छोटा मतलब छोटा नंबर और बड़ा नंबर में सर कोई फर्क नहीं है सर, एडमिट कार्ड देना ही है बोल के मतलब उन लोग का कुछ होता है एलिगेशन का सर। आधार कार्ड से कोई मैंने ये ऑथेंटिक वाला नहीं है एडमिट कार्ड, तो हम वो फोटो दूसरा का फोटो भी दे सकता है ना, हमको दूसरा फोटो देकर हम है बोलते बेच भी सकता है, लेकिन आधार कार्ड इज मोर ऑथेंटिक उनका, उसमें नाम है उसका नाम है। नहीं सर उन लोग का कहना है कि सर जितना भी हमारा अरुणाचल में जितना भी एग्जाम बड़ा बड़ा एग्जाम होता है जैसे कि APCS yes, और APSSB और ये सब में भी सर विदाउट एडमिट कार्ड से तो सर घुसने नहीं देता है महीना भर। नहीं सर उन लोग का कहना है सर कि मीन्स एडमिट कार्ड विदाउट एडमिट कार्ड से घुसने दिया है तो मतलब हम लोग भी फील नहीं करता है कि मतलब ये जैसे एग्जाम माहौल जैसे नहीं लगा है, मतलब उन लोग का कहना है जैसे कि थोड़ा पहले सर ने कंपनी सर ने बोला है कि सर फ्रिस्किंग भी नहीं किया है उन लोग का बोलने का ये होता सर वहाँ पे एग्जाम सेंटर में फ्रिस्किंग भी नहीं किया है जैसे जैसे है कोई कोई लोग फोन को भी लेके गया है। नहीं बिल्कुल नहीं ऐसे एलिगेशन आज भी पूछा है आप किसी को पकड़े हैं फोन लेते समय और कोई किसी को आप लोग कॉपी करते दिखाएगा नहीं ऐसे तो नहीं था तब भी आप लोग प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया नियम है ऐसे बोल रहे थे। सर आप लोग सर और एक सवाल सर इसमें क्योंकि हम लोग का भी ड्यूटी बनता है yes, yes. क्योंकि आज हम जो एक्सपीरियंस उनसे भी हम काफ़ी सवाल किया था तो सर इसमें ऐसे नहीं लगता है कि अगर उन लोग अगर लीगली कोर्ट जाएगा तो एडमिट कार्ड इशू नहीं करना सर ये तो बहुत बड़ा मेजर अगर आप कोर्ट में किया ये समय नहीं होने के कारण हम एडमिट कार्ड इशू नहीं किया ये कुछ पॉइंट जेन्यून है क्या? ये आधार कार्ड इज मोर ऑथेंटिक देन एनी एडमिट कार्ड। सर वो कहना है कि आधार कार्ड को भी अच्छे चेक नहीं किया है क्यों नहीं किया है किया है और कोई ऐसे कोई आया था क्या ऐसे कोई नहीं आया ना अपना से आया है सर एक और हम सवाल पूरा कर लेगा क्लियर करेगा एडमिट कार्ड में जब हम लोग एडमिट कार्ड इशू करेगा तब भी यही फोटो हम लोग को डालना था यही फोटो डालना था ये फोटो को उसको ये लड़की को मतलब वो लड़की से हम लोग वेरीफाई करना था ये फोटो को देख के सचमुच ये आदमी है ना नहीं है तो ये फोटो को तो हम लोग क्लियर है तो ये फोटो क्लियर है इसलिए इसी को हम लोग देख के वेरीफाई किया उसका साथ में हम लोग आधार कार्ड भी वेरीफाई किया ये फोटो आपको आपका फोटो ये लड़की और जो एग्जाम दे रहा है उसमें तो हम लोग को एडमिट कार्ड में भी हम लोग को यही फोटो डालना था प्लस हम लोग का क्या था हम लोग सिर्फ नहीं हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी हम लोग फ़ोन करके कॉन्टेक्ट करके पूछा है जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट मतलब हम लोग जिस डिस्ट्रिक्ट को टच में था जैसे फासीघाट नामसाई उन लोग भी इशू नहीं किया और हम लोग इशू नोटिस बोर्ड में भी टांगा है एडमिट कार्ड इशू नहीं करेगा ये मेन तो ही था एडमिट कार्ड इशू नहीं नोटिस में दिया अगर एडमिट कार्ड इशू करता तो वो भी यही फोटो का हम लोग डाल के उसको वेरीफाई करना था अभी हम लोग क्या है ये फोटो तो हम लोग वेरीफाई कर ही रहा है विथ आधार कार्ड भी वेरीफाई अगर एडमिट कार्ड इशू करने से वी कुड नॉट हम लोग आधार कार्ड नहीं मांगना था तो उसमें और ये इसलिए हम लोग ये फोटो का हम लोग क्लियरली हम लोग उसको देख के आदमी को वेरीफाई किया
इसको वेरीफाई किया, देन इसका बाद हम ऑर्डर कर भी वेरीफाई किया। ओके सर, समझ गया। तो सर और दूसरा बात सर, जैसे डीएमओ सर बोला है सर, ये आप नंबर को जो है ए टू नाम को जो सीरियल ए टू जेड किया, फिर वहाँ जाके आपने मतलब अच्छा के लिए मतलब जो अनफेयर नहीं होने के लिए फिर जेड टू ए किया है, तो लेकिन सर उनमें से एक्सपीरियंस लोग का ये भी एक एलिगेशन है आप लोग के ऊपर, जैसे शुरू में जब रोल नंबर से सपोज एग्जैक्ट नंबर को तो हम याद नहीं है, से सपोज रोल नंबर 50 तो रोल नंबर 50 का कैंडिडेट जो है एग्जाम हॉल में पहुंच गया तो उसका रोल नंबर जो है 110 ऐसे कुछ हो गया, तो रोल नंबर भी बदल दिया गया, ऐसे उन एलिगेशन दे रहे हैं। वही उसी को बोल रहे हम लोग, यहाँ में ए को हम लोग ए टू जेड हम लोग लिखा है शुरू में, लेकिन उसको जस्ट रिवर्स किया है जेड टू ए नीचे में, टू अवॉइड एनी खराब होने का, मतलब कोई भी ऐसे मिस ये उसको ये नहीं खराब नहीं काम करने करने के लिए कोई आके एजेंट कोई बता नहीं बता सकने के लिए हम लोग इसे किए। ये देखिए ये फर्स्ट में वाई है, ये सारा वाई हुआ नंबर वन, तो हम लोग अल्फाबेट ए से जेड था पहले, तो हम उसको जेड से ए कर दे, अभी वाई ये पेज में पूरा है अच्छा के लिए किया, नंबर वन में वाई होगा, उसके बाद यहाँ में रोल नंबर ये देखो वाई वाई वाई, इसका बाद टी आ गया, देन फिर आ गया, देन लास्ट में आपको ए जो है आपको एल आ गया, लास्ट में आपका ये ए आ गया लास्ट में, दिस इज द थिंग। तो ये क्यों ऐसे क्या बोले थे, और हम लोग उसको और आगे भी रोल नंबर हम नहीं देते, इट वॉज सीरियल नंबर ए टू जे। तो सर फाइनली उन लोग का तो डिमांड वही है कि नल एंड वैध होना है, लेकिन सर फाइनली आप लोग का तरफ से अभी क्या है रिजल्ट डिक्लेयर होगा और एजिटिस होगा, वो आप इंक्वायरी कराइए और कोर्ट कराइए, हम लोग रेडी है, रिजल्ट तो गो वन इसको डिक्लेयर करेगा, जो मिलने वाला मिलेगा। कब तक निकलेगा सर रिजल्ट? आज रात को ही निकाल लेगा हम लोग, तैयार अभी आज प्रैक्टिकल अभी क्या अभी हम लोग रेवोल्यूशन कर रहे हैं, फाइनल ये करेगा हम लोग, सिर्फ 7 अभी 22 आज दिया है, 22 हम लोग 21 लेना था उसमें भी, क्योंकि लास्ट वाला जो है मार्क सेम हो गया, तो मार्क सेम वाला का हम लोग नहीं निकाल सकते, एक आदमी को नहीं निकाल सकते, इसलिए हम लोग 22 लिया, 22 में से 7 को हम लोग आज डिक्लेयर करेगा, बाकी जो वेटिंग में आएगा प्योरली ऑन मेरिट बेसिस। ओके तो सर आप कल आपका इधर आना ही था, अभी आ गया, तो और एक सवाल है पब्लिक सर, अभी आपका ऑफिस में बहुत आप खुद बोलाएं एक ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप का ये आज का नर्सिंग का इशू को लेके चल रहा है, और एक ये है आपका यहाँ का एक जूनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर टोकन को ट्रांसफर का जो है सोशल मीडिया में जितना भी आलो का सोशल मीडिया फोरम में यहाँ पे एक उसका ट्रांसफर ऑर्डर को लेके पब्लिक काफ़ी टेंशन है, खास करके जो फीमेल है सब टेंशन है, क्योंकि डॉक्टर टोकन एक ऐसे अच्छा डॉक्टर है सबका कहना है, और रात सुबह जब भी उसको फ़ोन करते अवेलेबल मिलता है, तो सर इसमें ट्रांसफर तो आपका हाथ में नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट का बॉस होने का नाते आपका रिलीज ऑर्डर के लिए शायद आज कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, आज नहीं हुआ है, तो कल या तो परसों शायद पब्लिक का कुछ गैदरिंग होगा, इसमें सर आपका रिलीज ऑर्डर के लिए आपको सब प्रेयर कर रहे हैं कि मतलब रिलीज ना होने से ठीक है, इसमें आपका क्या कहना है? इसमें ट्रांसफर गवर्नमेंट ने किया होगा अपने बाजार में कि हम लोग भी नहीं मिला हाँ ऑर्डर अभी तक हम नहीं मिला है, सोशल मीडिया में भी हम अभी तक देखा नहीं है सर, इतना भी रुकी रुकी तो इसलिए हम देखा नहीं है, जो भी हो अगर पब्लिक बोलता है या हम लोग आज लीडर भी हम लोग का ये आलो ईस्ट का MLA भी कॉल किया है रिलीज मत करो, और हम लोग का आलो वेस्ट का भी कॉल किया रिलीज मत करो, नहीं करेगा क्या है, और वो भी नहीं है हम लोग रिलीज करने हमारा क्यों इतना हम जल्दीबाजी करेगा, रिलीज नहीं करेगा, पब्लिक का डिमांड है, गवर्नमेंट अगर हमको रिलीज करना है बोल के बार बार बोलेगा तो तब हम करेगा, अदरवाइज हम ऐसे आ गए आज आए हम क्यों कल रिलीज करेंगे, नथिंग ऐसे काम कभी नहीं करेगा हम लोग, ये अपना वेलफेयर काम करते रहेगा, ये तो पब्लिक की तरफ भी रिक्वेस्ट किया है हम लोग को रिलीज, हम लोग मेरे पास आया भी आने से भी टाइम लगेगा, मोर ओवर हम जब हम लोग का ऑनरेबल लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव हमको जैसे बोलेगा तो वो दे गो टू हायर अथॉरिटी जहाँ से ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करो या दूसरा जगह चेंज करो, हम लोग नहीं करेगा, उसके लिए इतना टेंशन भी लेना नहीं है, पब्लिक को लेना नहीं है, अननेसरी सोशल मीडिया पर लिखना नहीं है, हम रिलीज नहीं करेगा। ओके थैंक यू सर।